नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों, मैं रणवीर सिंह और मैं आ गया हूं देखिए फिर एक अपडेट के लिए। अपडेट देखिए समाज से जुड़ी हुई है, जिस पर मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि देखिए हमारा जो मन है ना वो नहीं मानता, हमें बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी होती है, लेकिन ये चीज ऐसी है समाज से जुड़ी हुई है, तो इस पर मैं आपको यहां पर देखिए बोलना चाहूंगा और आपका सहयोग भी हमें यहां पर चाहिए, क्योंकि देखिए समाज जब तंदुरुस्त रहे, दुरुस्त रहे और समाज के जो युवा साथी, जो आने वाली पीढ़ी के लिए अगर अच्छी व्यवस्था हम लोग बना के रखेंगे और सरकार भी अच्छी व्यवस्था बना के रखेगी, तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि समाज अच्छा रहेगा, उनका भविष्य अच्छा रहेगा, आपके प्रदेश का, आपके क्षेत्र का और देश का, इन सबका भविष्य युवाओं के ऊपर टिका हुआ है और आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी ये पूरी तरह से टिका हुआ है। देखिए जिस तरह से राजस्थान सरकार, अभी वर्तमान राजस्थान सरकार ने एक यहां पर देखिए विधेयक पास किया बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने का, तो एक बात बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि बाल विवाह का आप रजिस्ट्रेशन कराइए, ये कोई कानून नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बाल विवाह देखिए पहले से एक अपराध है और बाल विवाह का मतलब है किसी भी बालक के भविष्य को खराब करना। जब किसी भी बालक का भविष्य जब बाल विवाह के इस चक्रव्यूह में फंसकर खराब हो सकता है, तो आप बताइए उसका आप रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहते हैं? क्या रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या बाल विवाह को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। आपने वो कड़े कानून तो बनाए नहीं जिससे बाल विवाह रोका जा सके। आपने यहां पर कर दिया कि भाई बाल विवाह का आप रजिस्ट्रेशन कराइए, अगर आप अपने बच्चों का बाल विवाह करना चाहते हैं तो देखिए यहां पर आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, सरकार को आप सूचना दे दीजिए कि साहब हम बाल विवाह करना चाहते हैं। तो एक बात बताइए, जब ऐसा कोई व्यक्ति है जो बाल विवाह करेगा और उसकी सूचना देगा और उसके बाद उस बाल विवाह को रोक दिया जाएगा, जब बाल विवाह यहां पर निषेध है, बाल विवाह को जब हम रोक सकते हैं, बाल विवाह हमें यहां से खत्म करना है समाज से, तो एक बात बताइए कि उसका रजिस्ट्रेशन कराने का क्या उद्देश्य है? इसका मतलब तो यह है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप बाल विवाह को अनुमति देना चाहते हैं। और जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद साहब मैं रजिस्ट्रेशन करा लिया मैंने, अब देखिए हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन का कागज है और अब हम बाल विवाह करना चाहते हैं। जब बाल विवाह हो जाएगा तो उसमें क्या है, बालिक होने पर उसका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। तब एक बार बताइए, जब बाल विवाह रुका कहां यहां पर, तो बाल विवाह हो गया, तो इसमें देखिए बाल विवाह कराने पर सरकार यहां पर काम कर रही है, तो जो कि समाज के हित में नहीं है, समाज के लिए गलत है। इस देखिए पूरी खबर पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखिए बिल में यह प्रावधान है कि अगर शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 से कम और लड़के की उम्र 21 से कम है तो उसके माता पिता को 30 दिन के भीतर इसकी सूचना रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देनी होगी। बाल विवाह के मामले में लड़का लड़की के माता पिता रजिस्ट्रेशन अधिकारी को तय फॉर्मेट में ज्ञापन देकर सूचना देंगे। इसके आधार वर रजिस्ट्रेशन अधिकारी उस बाल विवाह को रजिस्टर्ड करेगा। अरे भाई, रजिस्टर्ड करने का मतलब समझ रहे हो, रजिस्टर्ड करेगा बाल विवाह, यहां पर रजिस्टर्ड हो गया भैया। देखिए विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 8 में इसका प्रावधान किया गया है, ऐसा इन्होंने दिया है। पहले जिला स्तर पर बाल विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी होते थे, इस बिल में ब्लॉक स्तर पर प्रावधान किया गया कि बाल विवाह अवैध ही रहेगा, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत और विधेयक के उद्देश्य के मसले पर सवाल उठाते हुए पूरे समाज ने यह पूछा है कि भैया जब बाल विवाह यहां पर अवैध रहेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन क्यों? जब सरकारी कागजों में कोई रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब, देखिए बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन का मतलब वैधता नहीं, ऐसा सरकार बोल रही है, लेकिन ये सब चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं, साफ दिखाई दे रही हैं कि देखिए यहां पर बाल विवाह एक अपराध है और बाल विवाह निषेध है, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह को सरकार को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। जबकि यहां पर बाल विवाह की सूचना मिलते अब तक ये होता था कि तहसीलदार या थानाधिकारी या एसपी लेवल का आदमी, डीएसपी लेवल के आदमी, सीओ लेवल के आदमी वहां पर जाते थे और बाल विवाह को वहां पर रोकते थे। ठीक है, बहुत सारे बाल विवाह राजस्थान के अंदर रोके गए। ठीक है, बच्चों ने खुद ने विरोध किया, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इससे देखिए युवा साथी जो बच्चे हैं वो निकलकर बाहर आए और इस पूरे कानून का विरोध करें, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बिल्कुल ही गलत है। फिर आते हैं एक अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।